उसी सीरीज में बच्चों अब आगे हम पहला वीडियो आपको मिला जिसमें 2017 के मैंने आपको 6 क्वेश्चन बताए, ये बहुत सिंपल थे और जेई के लिहाज से वो 24 नंबर के थे। और अब आप फिर एक सीरीज देखिए, अगले मैं फिर आपको 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये भी बहुत सिंपल थे, इसका मतलब ये भी आपके अगले 24 नंबर भी आपके बिल्कुल मुफ्त के थे, माने 120 में से 48 नंबर आपके मुफ्त के बन जाएंगे। देखिए अब इसको, ये अगला क्वेश्चन देखिए, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के अंदर पूछ रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर है फेज डिफरेंस। मैं समझता हूँ जिसने भी 12th के बोर्ड के अंदर थोड़ा भी सेमीकंडक्टर को किया होगा उसको देखकर मालूम है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कॉमन एमिटर और कॉमन बेस का फर्क ही होता है। कॉमन एमिटर में इनपुट और आउटपुट के बीच में फेज डिफरेंस होता है बेटा 180 डिग्रीज का, और बेस में होता है 0 डिग्रीज का, बस यही फर्क दोनों एम्पलीफायर में होता है। बाकी एम्पलीफायर कॉमन एमिटर वाला की गेन ज्यादा वगैरह, लेकिन ये सबको मालूम होना चाहिए कि कॉमन एमिटर के अंदर 180 डिग्रीज का फेज डिफरेंस स्ट्रेट अवे पूछा गया बिना किसी मेहनत के, 4 नंबर आपकी जेब में। अब बेटा आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि इतने इतने नंबर मेरी जेब में आते गए, मेरा काम होता गया। अगला देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें स्टेटमेंट दे दी और आपसे पूछा गया है, सारी करंट इलेक्ट्रिसिटी की है। आइए एक एक करके बात करते हैं। किरचॉफ का सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये बिल्कुल सच है क्योंकि पहला लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, दूसरा एनर्जी पर है। दूसरा विटस्टोन विच इज मोर सेंसिटिव व्हेन इट ऑल दी फोर रेजिस्टेंस ऑफ दी सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये भी बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि पी बाई क्यू आर बाई एस लगभग सेम रेंज में होते तो काम होता है। तीसरा है इन अ बैलेंस विटस्टोन विच द सेल एंड गैलोमीटर आर एक्सचेंज, मैंने पी बाई क्यू आर बाई एस के आपने बदल दिए, आपने पी बाई एस आर बाई क्यू कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, करंट तो बीच में से फिर भी नहीं जानी है। पी बाई क्यू आर बाई एस में आपने उसको बदल दिया क्यू आर एस को, तो पी बाई क्यू आर बाई एस की जगह पी बाई एस आर बाई क्यू हो गया, वो भी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। तो हमारा तीसरा वाला पॉइंट डिस्टर्ब वाला वो गलत है, इसमें बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होगी। चौथा हमारे पास जो पॉइंट है रियोस्टेट पोटेंशियल डिवाइडर है, वो तो रेसिस्टेंस तोड़ता ही है, रियोस्टेट बोल दीजिए पोटेंशियोमीटर वायर बोल दीजिए, ये सब पोटेंशियल डिवाइडर कहलाए जाएंगे। एक लंबी तार जिसमें सब कॉन्स्टेंट करंट जाती है वी प्रोपोर्शनल एल की प्रिंसिपल में जाएगी, वो पोटेंशियल डिवाइडर है। ये भी आपको स्ट्रेट अवे थ्योरी का क्वेश्चन है, बिना कैलकुलेशन की आपको समझ आ गया। आगे चले, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है और इसमें काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आपसे पूछ रहा है, ध्यान देना काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। अब इसमें सिर्फ एकमात्र पोजीशन जहां पे आपको ध्यान देना है कि t इज इक्वल टू 0 पर बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर है, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी मैक्सिमम मीन पोजीशन वाला काम चल रहा है। इसका मतलब सीधी बात है वेलोसिटी की होगी मीन पर मैक्सिमम है, तो हमारे नीचे के तीसरा और चौथा ग्राफ तो हमारे सिलेबस से उड़ चुका, हमारे इस क्वेश्चन के डोमेन से उड़ चुका, पहले और दूसरे में चिंता करनी है। आइए उसमें भी हम स्पेसिफाई करते हैं कौन सा बेहतर है। जब आपको पता है जब बॉडी मीन से शुरू होती है तो साइन ओमेगा टी का फंक्शन लगता है, अब जब अगर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन साइन ओमेगा टी होगा आपको पता है उसके वेलोसिटी का फंक्शन कॉस ओमेगा टी बन जाएगा, बस उसी को ध्यान रखिए कि अगर हम क्योंकि डिस्प्लेसमेंट साइन ओमेगा टी है, क्योंकि बॉडी मीन से शुरू हो रही है इसकी वेलोसिटी का कॉस ओमेगा टी होना चाहिए। तो हम सिंपल मैथमेटिकल करेंगे, हमने के की वैल्यू निकाल दी 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और हमने ओमेगा को 2π/T कर दिया। अब आपको पता है देखो बेटा ये शुरुआत तो चलो टी जीरो पर ये जीरो कॉस जीरो बन गया, अब ये पहली बार जीरो कब बनेगा, हमारे को इन दोनों में ये सोचना है कि टी बाई फोर पर जीरो बनना है या टी बाई टू पर जीरो बनना है। आप यहां पर वैल्यू रख के भी दे सकते हो, आप टी बाई फोर की वैल्यू पुट करो तो पाई बाई टू बन जाएगा, टी बाई टू की वैल्यू पुट करोगे तो पाई बनेगा, इसका मतलब कॉस पाई माइनस वन, लेकिन क्योंकि इसका स्क्वायर है फिर प्लस बन जाएगा, इसलिए ये वाला केस नहीं हो सकता, ये वाला केस हो सकता है। मैं इसको दोबारा मैथमेटिकली आपको दिखा दूं, मैं हमने कॉस 2π/T को किससे इक्वेट करना है जीरो करने के लिए, पाई बाय टू से टी की वैल्यू टी बाय फोर आएगी। तो बेसिकली सबसे पहली बार टी बाय फोर टाइम के ऊपर ही हमारे पास वेलोसिटी सॉरी के ई जीरो बनने वाली है, उसकी वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। नेक्स्ट कम्स द थर्ड वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन विच यू सी, करंट 5 एम्पियर पासिंग फ्रॉम गैलोमीटर, कॉइल रेजिस्टेंस दे रखा है और फुल डिफ्लेक्शन आपको दे दी गई है। अब ये कहता है आपको रेजिस्टेंस चाहिए, इसको कन्वर्ट करना है आपने वोल्टमीटर, आपको पता है वोल्टमीटर से बोला है वोल्टमीटर विल फ्रॉम 0 to 10 volt, ठीक है 0 से 10, इसका मतलब आप वोल्टेज 10 volt लेके चलेंगे क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज लेके चला जाएगा। फॉर्मूला आपको याद होगा V = Ig × R + G, इसमें आपको V पता है Ig पता है
आर प्लस जी आपको मिल जाएगा, जी आपको मालूम है 15 ओम का, बस निकाल देना। आइए निकाल लेते हैं, वी इज इक्वल टू आई जी आर प्लस जी है, वी हमारे पास 10 वोल्ट का है, आई जी मेरे पास 5 मिली एम्पियर है, इसका मतलब 5 × 10⁻³ आर प्लस जी 15, और मैंने आर प्लस 15 की वैल्यू निकाल दी तो आपको देखा 2000 ओम इसकी वैल्यू आ रही है, तो उसमें से मैंने 15 माइनस कर दिया, आर निकालना है तो 1985 मेरा आंसर नंबर 2 आ गया। फिर भी टेक्निकली क्लियर करने के लिए इसको 1.85 × 10³ ओम बना दिया गया। अगेन दिस इज अ प्योरली सीबीएसई लेवल क्वेश्चन, नथिंग बियॉन्ड दैट। तो आपने देखा कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, हम बेकार घबराते हैं। आइए आगे चले। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डिस्टेंस डी का ग्राफ दे रखा है इसने। आइए ये 4 ग्राफ मिल गए। अब अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना भी याद रहे तो आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड विद इन सॉलिड स्फीयर माने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर याद रखना चाहिए, उसका ग्राफ हो ग्रेविटेशन का ग्राफ हो दोनों सेम होता है, तो अब आपको पता है। या अगर ये भी ध्यान ना रहे तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जी डैश का फॉर्मूला क्या था, G1 - D/R, उस फॉर्मूले को यूज करते हैं। हमारे पास जब तक बॉडी अंदर आती है तो हमारे पास GmD/R³ बनता था फॉर्मूला, और जब बाहर चली गई तो GM/D² बनता था। आप तो इनिशियली इट इज 0 से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, क्योंकि जी डैश प्रोपोर्शनल टू डी है, दैट इज दिस पहला वाला ग्राफ, और बाद वाला 1/R² हो गया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास नंबर 1 ग्राफ मिल भी दिया आंसर, ये आपके पास स्टेट वे पोटेंशियल का, ये एनसीईआरटी में ग्राफ है भी आपके पास, उसको आप देख सकते हैं। ग्रेविटी का ग्राफ आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए, वही पोटेंशियल का ग्राफ होना चाहिए। इनफैक्ट ईवी इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड पोटेंशियल और ग्रेविटेशन पोटेंशियल का ग्राफ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो शेल की फॉर्म में हो चाहे सॉलिड स्फीयर की फॉर्म में हो, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये भी इजी मिला आपको मेरे ख्याल से। आइए अब ये क्वेश्चन पॉज लीजिए और ध्यान से पढ़ लीजिए। तो 25 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ का एक डाइवर्जिंग लेंस है, माने कॉनकेव लेंस है, उसको मैंने कन्वर्जिंग लेंस से 15 सेंटीमीटर पहले रख दिया, तो हमारे पास कॉनकेव पहले कॉन्वेक्स बाद में, और हमारे पास वो कहां से आ रही है, रेस इंफिनिटी से। दैट सिंपली मींस पहली वाली इमेज मेरे कॉनकेव के फोकल लेंथ पर बनेगी। कॉनकेव का फोकल लेंथ बेटा कितना है, ध्यान दे दीजिए, उसकी फोकल लेंथ है 25 और 15 उसका डिस्टेंस कन्वर्जिंग से है, इसका मतलब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर कॉनकेव से मेरी वो इमेज बनेगी। कॉनकेव से 40 सेंटीमीटर तो मेरा यू कितना हो गया, माइनस, क्योंकि लेफ्ट साइड पर ही बनेगा, यू बिकम्स माइनस। बस इसके बाद फॉर्मूला लगा देना। आइए पहले मैंने 1/U - 1/V - 1/U में एफ कर दिया और U को मैंने -40 कर दिया, मेरी वैल्यू आ गई, V को सॉल्व कर दिया 40 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये राइट साइड पर आया है, कॉन्वेक्स के राइट साइड के ऊपर, माने जब V पॉजिटिव होगा, प्रोवाइडेड ऑब्वियसली कि U नेगेटिव होना चाहिए, तो राइट साइड के ऊपर हमारी इमेज रियल बनेगी, तो हमें इस बारे में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 40 सेंटीमीटर फॉर्म कन्वर्जेंट लेंस बनना है इसको और रियल बनना है। आप देख सकते हैं हमारे पास फॉर्मूले में, सॉरी ऑप्शन में सेकेंड वाला केस इसके बीच में आ रहा है, इसने सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों के अंदर 40 सेंटीमीटर लिख दिया। जो बच्चा गलती से डाइवर्जिंग माने फोर्थ वाले को गलत कभी कर नहीं सकते, क्योंकि फोर्थ आपको पता है डाइवर्जेंट लेंस से 40 की दूरी हमारा सारा दूरी अब कन्वर्जेंट लेंस में नापी जाएगी। बस ये छोटी छोटी बातें हैं। इन दो वीडियोज में बेटा आपने 6 क्वेश्चन पहली बार, 6 क्वेश्चन इस बार, 12 क्वेश्चन अगर मार्क्स वाइज देखें तो 48 मार्क्स, और आप ध्यान दें 12 क्वेश्चन 48 मार्क्स माने 40%, मैंने पहली स्लाइड पर लिख के आपको दिया है 40% क्वेश्चन ऑफ जेई ऑफ 2017 विच आर वेरी इजी। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल बिना सोचे समझे आपके हाथ में बिल्कुल 48 नंबर आ चुके हैं, इसको मत खोइए। मैं अगली शीट दूंगा जिसके अंदर स्लाइटली मॉडरेट मैंने थोड़े एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को यूज करा। अभी तक तो आपने कॉन्सेप्ट नाम की कोई चीज यूज ही नहीं करी है, स्ट्रेट वे फॉर्मूला लिखा आंसर निकाला, फॉर्मूला लिखा आंसर निकाला, ना कैलकुलेशन बड़ी करी आपने, तो 120 में से 48 नंबर तो आपके बिल्कुल मुफ्त के आ चुके हैं। अगर इतने इतने तीनों सब्जेक्ट में अगर आपने कर दिए तो आपके 144 मार्क्स आ गए, 144। इमेजिन द कट ऑफ फॉर जेईई इज 105, कितने आसानी से क्लियर कर रहे हैं। लेकिन मैं फिजिक्स की बात करूंगा, इसलिए फिजिक्स में एक कदम और आगे चलेंगे और आपको प्रूव करेंगे कि फिजिक्स में 120 में से 80 नंबर लाना माने 2/3 लाना कुछ मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड
बेसिक कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर, दूसरा आपका काम बिल्कुल सीधा है, कूल मेंटेन रखिए, हड़बड़ाइए नहीं, डू नॉट थिंक ऑफ एनी हड़बड़ाहट, कुछ नहीं उससे होगा, आराम से आप क्वेश्चन कीजिएगा। थैंक यू, देखिए और डाउट मुझे बताइए, नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट पर, इसका सारा डिटेल मिल जाएगा, यू कैन क्लिक ऑन माई वेबसाइट एंड चेक दीज क्वेश्चंस एंड अ शीट ऑल्सो। थैंक यू।